हेलो किसान साथियों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हम यादव डेयरी फार्म पे गोसाईगंज बाराबंकी लखनऊ मोहनलालगंज नेशनल हाईवे पर जो पड़ता है, यहाँ पर हमने विजिट किया है। आप लोग देख रहे हैं, पहले मैं व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ का, किस किस नस्ल की गायें हैं यहाँ पर। ज़्यादा तर यहाँ पर देसी नस्ल की गायें आती हैं और यहाँ के ऑनर जो है क्रॉस ब्रीड पर भी काम कर रहे हैं। अभी हम आपको क्रॉस ब्रीड भी दिखाएंगे। ये सब देसी नस्ल में हैं। गिर है, साहिवाल है और कॉन्क्रेज भी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ के ऑनर ने बताया कि वो कॉन्क्रेज पर भी काम करेंगे। तो आपको हम दिखाते हैं कुछ क्रॉस नस्ल पर भी काम कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें ग्रैंडो भी है और एचएफ मिक्स है। पूरी एचएफ नहीं है, जो सफ़ेद वाली आपको दिख रही है ये एचएफ मिक्स है, ये प्योर एचएफ नहीं है। और ये वाली आपको ग्रैंडो ब्रीड की दिख रही होगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का। तो ये मोहनलालगंज नेशनल हाईवे पर पड़ता है लखनऊ से, अगर आप आते हैं तो ये देख सकते हैं। जस्ट नेशनल हाईवे के बगल ही है, मोहनलालगंज नेशनल हाईवे जो है उसके जस्ट बगल ही है। आपको लोकेशन मैप पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, जस्ट यहीं पे लेकर आएगा सीधा। तो बने रहिए, दिखाते हैं अभी, पूछते हैं ऑनर से सारा कुछ। दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम यादव डेयरी फार्म पे गोसाईगंज लखनऊ नेशनल हाईवे पर आ चुके हैं। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर देसी नस्ल की गायें और एचएफ गाय और गिर गाय, सभी नस्ल की गायें यहाँ पर आती हैं। तो चलिए अभी यहाँ का शुरू करते हैं, यहाँ के ऑनर से पूछते हैं उनका पता और नाम, सारा कुछ पूछेंगे अभी। तो बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, यहाँ के ऑनर से बात करते हैं अभी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं, यहाँ के ऑनर से पूछते हैं। भैया, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या नाम? मैं ब्रजभान सिंह यादव जी, यादव डेयरी फार्म लखनऊ गोसाईगंज जी, जो एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक छोटा सा ब्लॉक गोसाईगंज है जी। गोसाईगंज ब्लॉक से मात्र 300 मीटर दूरी पे हमारा फार्म पड़ता है लखनऊ जेल रोड पे जी। जो सुल्तानपुर से मोहनलालगंज को टर्न की है उसी मेन रोड पे हमारा फार्म पड़ता है। कहीं से भी कोई आए, हमारे फार्म का लोकेशन यादव डेयरी फार्म लोकेशन पे डाल लेता है तो जो है लोकेशन वहाँ तक हमारे फार्म तक पहुँचा देगी। तो या फिर बाहर से आए हुए लोग जो लखनऊ चारबाग उतरते हैं वो वहाँ से बस पकड़ेंगे, लखनऊ गोसाईगंज बस स्टॉप उतरेंगे। तो भैया ये बताइए, ये डेयरी फार्म आप कब से चला रहे हैं? आज ये हमारी तीसरी पीढ़ी जो है इस पे काम कर रही है, बाबा के समय से जी। पहले इससे पहले बाबा भी किए हैं जी। और बाबा के बाद पिताजी लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया जी। उसी को देखते हुए हम लोग जो है पिताजी के समय पढ़ाई करते रहे और साथ में उनका हाथ बटाते रहे, उनके साथ मदद करते रहे। आगे चल के जो है पिताजी ने जो है हम लोगों को ये कार्यभार सौंप दिया और हम लोगों ने इस कार्य को अपने उसके जो है पिताजी के आशीर्वाद से। भैया ये बताइए, छोटी सी एक जानकारी लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर अपने डेयरी फार्म पर किस किस नस्ल की, किस ब्रीड की गाय रखते हैं? हमारे डेयरी फार्म पे आपको साहिवाल, गिर, थारपारकर, राठी क्रॉस और कुछ क्रॉस ब्रीड नस्लें, बल्कि अब जर्सी भी अपने फार्म पे मिलेंगी जी। तो कुछ एक दो गाय का भी हम पूछते हैं आपसे, जो है जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय हो उनका आप हमको बताइए बारे में। उसके बाद भारत की जितनी भी देसी नस्लें हैं, सबसे पहले हम आपको आपके माध्यम चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे या आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये खबर हमारी पहुँचे कि आप जितने भी लोग, जितने भी पशुपालक आपके चैनल को देख रहे हैं, आपके चैनल को, चैनल के माध्यम से हमारे फार्म तक पहुँच रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ। हमारे चैनल पे, हमारे फार्म पे जितनी भी भारत की देसी नस्लें हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको यही जानकारी मिलेगी कि कोई भी नस्ल हो देसी अगर जो है तो उसमें ए टू मिल्क आप देखते हैं तो उसमें 10 से 12 लीटर का दूध आपको जो है उसमें मिलेगा। मेरे चैनल पे आपने हमको बुलाया तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।
चलिए हम आपको आपसे पूछ लेते हैं कुछ गायों के बारे में। ये वाली गाय भैया बता दीजिए किस नस्ल में है? ये शुद्ध देसी एक प्रकार से कहा जाए, मैनी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका सींग जो है हिलता है जी। ये दोनों सींग इसका जो है हिलता है, बछड़ा दी हुई है और ये थार पारकर जो है, थार पारकर नस्ल की बछिया है। चार दांत अभी इसकी उम्र है, पहली बार जो बच्चा दी है और 3 साल उम्र है इसकी। पहला बयान में बच्चा दी है जी। और अभी इसमें प्रेजेंट में 9 किलो दूध जो है तैयार हो गया है। आज 3 दिन बच्चा दी हुआ है इसका जी। और ये 10 के आसपास जो है, 10-11 ये इसकी दूध की क्षमता रहेगी। ये कोई 15-16 किलो दूध नहीं देगी, लेकिन 10-11 जो देगी वो दूध नहीं, सभी जानते हैं कि अमृत समझो। तो दोस्तों बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको जो इसका बताया जा रहा है दूध, अभी हम इनसे इसकी कीमत की बात करते हैं। भैया तो आप इसकी कीमत अगर बात की जाए, किसान भाई अगर लेना चाहते हैं तो क्या कीमत में आप देंगे इसको? इनका कोई कीमत जैसे एक फिक्स नहीं होता है। हाँ, जैसे अपने हिसाब से जो मतलब आप गाय के अनुसार, गाय की क्वालिटी के अनुसार उसकी कीमत होती है। हमने इसका कीमत जो है 51,000 रुपये एकदम फिक्स रखा हुआ है। जैसे मांगने को हम 55-60 इसका मांग सकते हैं, लेकिन जो लास्ट देने वाला है इसका 51,000 रुपये हमने जो है इसका रखा। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गाय है, बहुत ही अच्छी नस्ल में है। आपको हम इसका आर्डर दिखा देते हैं करीब से। थनों का गैप बराबर होगा, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा आर्डर है, गैप बहुत ही अच्छा है इसका, बराबर है। और एक ही वाली गाय के बारे में बता दीजिए, ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं होगी। और आपको हम एक चीज़ अपने फार्म के बारे में बताते हैं, हमारे फार्म पे किसी भी गाय का दूध रुका हुआ नहीं होगा कभी भी, किसी वक्त किसी भी वक्त कोई हमारे फार्म पे आ सकता है। 15 से 20 गाय हमेशा हमारे फार्म पे उसको उपलब्ध मिलेंगी। अगर जो मंगलवार की रात को कोई भी आता है या बुधवार के दिन आता है, मंगलवार को हमारे पास 2 ट्रक गाय यानी लगभग 18 से 20 गाय कंफर्म हमारे पास जो है उतरना ही किसी भी स्थिति में जो है। अच्छी नस्ल की टॉप क्वालिटी की गाय मंगलवार की रात को 2 ट्रक हमारे पास उतरती हैं, जो बुधवार को देखने को मिलती है। जी दोस्तों, हमें इनसे भाई से बात कर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये अपनी हमारे वीडियो में अपने फार्म की सच्चाई बताते हैं, कोई 1% आपको झूठ नहीं मिलेगा इसमें। तो ये वाली गाय जो है भाई, आप बताइए कौन सी नस्ल? साहिवाल नस्ल की जो है गाय है, और अभी जो है ये दूसरी बार जो है बच्चा करेगी, तीसरा हो सकता है, मतलब हम ये नहीं कहते कि नहीं ये तीसरा है या दूसरा है कन्फर्म, क्योंकि हमारे घर की नहीं, किसान के माध्यम बताने के अनुसार दूसरा है, लेकिन जहाँ तक हमारा एक अनुभव कहता है कि तीसरी बार बच्चा करेगी। देख सकते हैं इस गाय को, मिल्क रिकॉर्ड अगर पूछा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जितनी भी देसी नस्लें हैं 10 से 12 ये कितना भी ऑर्डर कर ले, लेकिन ये 13-14 भी पहुँचती है, लेकिन एक दिन आना इसको 10 पे। अगर कोई किसान भाई हमारे वीडियो के जरिए आप देख रहा है और ख़रीदना चाहता है, तो आप इसका रेट कीमत क्या मांग रहे हैं? वीडियो के माध्यम से शायद जब तक वो वीडियो देखेगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। नहीं नहीं, हम गाय बिक के चली गई, हमारे बहुत से लोग देखते हैं ना, अनुमान बताते हैं कि ऐसी गाय हमारे पास 50,000 के आसपास उपलब्ध हो जाएगी। जी ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं, गाय की कीमत जैसे हमने फाइनली 51,000 रुपये रखी जी। 51,000 रुपये दोस्तों इस गाय की कीमत फाइनल रखी गई है। और इसमें बेहतरीन हम्प, गलकम्बल, हाँ इसको एक चला दीजिए एक बार जरा सा बढ़ा रहे हैं दोस्तों, सभी कुछ इसके अंदर दोस्तों। यहाँ के ऑनर ने हमें समय दिया, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर, देख सकते हैं बहुत ही इसकी चाल ढाल में कोई फर्क नहीं है। देख सकते हैं तो ये लगभग तीसरे में कह सकते हैं प्रेग्नेंट, तीसरे में कह सकते हैं प्रेग्नेंट है हमारे अनुसार जो है जी, तीसरे में किसान के अनुसार, इसका दूसरे में। ऐसे ही जो है अगर जो हमारे पास साहिवाल और कुछ राठी से क्रॉस, मतलब देसी का देसी से ही क्रॉस, हमारे पास 40-45-50 इस रेंज में अच्छी गाय उपलब्ध हो जाती हैं, जिनकी क्षमता 10-12 लीटर आसानी से जो है होती है अपने पास। बाकी हमारे पास ये कौन सी है गीर दोस्तों, इस नस्ल की भी आपको गाय मिलेंगी, ये गीर नस्ल में है। तो अगर इसकी बयान की बात की जाए, किस बयान में है ये? अभी पहली बार बच्चा देगी। अच्छा, और प्रेग्नेंट है, जो है 2.5 साल है, 2.5 साल उम्र है, दो दांत की बछड़ी है, दो दांत की बछड़ी है, इसका सींग देख सकते हैं, मत्था देख सकते हैं, कान देख सकते हैं। तो अभी पहली ही बार ये जो है बच्चा देगी, तो
इसका हम्प देखिए बेहतरीन हम्प है, छोटे छोटे पैरों की और बड़े कानों की गाय है। तो अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो क्या कीमत लगाई है? इसकी कीमत अभी हमने जो है 1,00,000 रुपये लगाई है। अच्छा, तो भाई हम आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पूछना चाहते हैं, जैसे इन पशुओं को चारे के रूप में आप क्या खिलाते होंगे? चारे के उसमें हम जो है भूसा और चोकर जी दो चीज़ें, क्योंकि अभी जो है जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हम इनको जितना सूखा खिलाएंगे उतना ये बेहतर रहेंगे जी। बाहर से गाय आती है तो, और ये भूसा और चोकर ज़्यादा पसंद करती है। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। आपने हमें बुलाया, हमने ही खुद फ़ोन किया था, जैसे हमारे साथ एक यूट्यूबर भाई दिनेश गिरी है, उन्होंने फ़ोन किया तो हम उनके साथ आए थे। तो चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। दिनेश भाई फिर आएंगे बुधवार को, मैं तो चला जाऊंगा फ़िलहाल, दिनेश भाई फिर आएंगे वीडियो बनाने के लिए। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस यादव डेयरी फार्म पर आप आएँ तो अपनी सूझबूझ से आएँ, हमारे कहने से, हमारे वीडियो के माध्यम से। जैसे हमारा काम है वीडियो बनाना और सच्चाई दिखाना, तो यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि यहाँ के ऑनर जो हैं तो ये सच्चाई बात जो है, जो भी सच बात रहती है वो चीज़ बताते हैं, दिखाते हैं, कोई उसमें झूठ वाली बात नहीं रहती है। तो आप लोगों को अगर ख़रीदना हो तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। भैया आप एक बार अपना नंबर इसमें बता दीजिए। हमारा नंबर, अपना नंबर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहते हैं जी। नंबर देने का मतलब हमारा यही है कि आप किसी भी किसान भाई को किसी भी वक्त कोई भी परेशानी, पशु से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना है, कहीं भी वो पशु लेता है तो वो हमसे जो है दिखाने के लिए संपर्क कर सकता है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 99-84-74-43। कहीं भी कोई भी किसान भाई कहीं किसी भी स्थिति में, क्या नंबर है, 99-84-74-13-48-9984-74-13-48 जी, किसी भी वक्त कहीं भी कोई किसान भाई अगर जो पशु लेता है तो उसमें कुछ चीज़ें वो अवश्य ध्यान दे, वो कहे ना हमारे फार्म पे ही क्यों ना ले। थनों का गैप, थनों की दूरी, थनों का बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, जो बाट होता है बहुत लंबा ना हो, जो पैर के नीचे आ जाए और पशु बैठने में कट जाता है। पशु छोटे पैर का हो, नया हो, सेहत मेंटेन हो, पशु का गलकम्बल जैसे देखी ना क्यों फसलों में देखा जाए तो हम गलकम्बल नाभि उसकी बेहतरीन मेंटेन हो, उसमें आपको 18 मिल्क मिलेगा जी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका समय देने के लिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर कभी आएंगे अगर मौका मिलता है। दिनेश भाई तो आएंगे, हम तो जा रहे हैं, कल चले जाएंगे, फिर दिनेश भाई आएंगे बुधवार को बनाने के लिए। दोस्तों अगर आपको ख़रीदना है तो आप मंगलवार के दिन रात में, मंगल वाली रात को आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही मात्रा में, अधिक मात्रा में गाय आती हैं, अगर आपको ख़रीदना है तो आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे यादव डेयरी फार्म गोसाईगंज लखनऊ, अगर कोई किसान भाई आता है तो यहाँ पर ठहरने की फुल व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो रजाई गद्दा वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर ठहर भी सकते हैं, एक दो दिन रुक कर मिल्किंग चेक कर कर तब ही गाय ले। यहाँ पर खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था देख सकते हैं आप, यहाँ पर खाने के लिए जो प्लेट वगैरह होती है सारी चीज़ यहाँ पर रखी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का, यहाँ के ऑनर का देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। तो यही दिखाने के लिए हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे थे ताकि आप लोगों को दिखा दें, देख लीजिए आप लोग कायदे से।